नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। बिहार दरभंगा के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे दरभंगा पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद डीजीपी ने तमाम जनप्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता भी किया। बिहार दरभंगा के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जिसके बाद डीजीपी आईसीसी से जिले के तमाम पंचायत जनप्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि पुलिस हमारे अंग है, अगर सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो अपराध को जड़ से खत्म किया जा सकता है। वही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अपील किया कि आप लोग शराब माफिया और अपराधियों की सूचना व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर दे, जिसे गुप्त रखा जाएगा। इस मौके पर प्रक्षेत्र के आईजी अमिताभ कुमार और दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे। जनसंवाद कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों के द्वारा मिले सुझाव पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। वही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन प्रतिनिधियों और आम जनता व उचित सम्मान करे, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने और तुरंत कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने जनसंवाद में शराबबंदी, अपराध नियंत्रण और सांप्रदायिकता सौहार्द विषय पर खुलकर बात की। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। शराबबंदी को प्रभावकारी ढंग से लागू करने, बिहार को नशामुक्त बनाने, बिहार को अपराध मुक्त बनाने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने, अपराध नियंत्रण व्यवस्था संधारण में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए ये वेव के माध्यम से ये मीटिंग चल रही है, जिसमें सारे थानेदार, सारे इंस्पेक्टर, पुलिस के पदाधिकारी और मुखिया और वार्ड पार्षद जो जनप्रतिनिधि वो शामिल हो रहे हैं। ये सहयोग से अगर काम करेंगे तो गाँव में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और ये शराबबंदी तीनों में बहुत सहायता मिलेगी और प्रशासन को काफी इससे बल मिलेगा सांप्रदायिक सत्ता बनाए रखने में। इसलिए क्योंकि जो लोग आते थे बाहर से, उसको कैसे रखना है, कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है, मैंने डॉक्टर से बेसिक काम पुलिस ही की। इसलिए पुलिस को कोटि कोटि धन्यवाद देना, दरभंगा पुलिस को देना चाहते हैं और सभी थाना के लोग काफी मेहनत किए हैं। खासकर एसपी साहब को धन्यवाद देते हैं कि अपने भी संकट में पड़ गए लेकिन लोगों को संकट से मुक्त करने का हमेशा प्रयास किया। शुक्रिया।